हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। जी मैम, आप कौन? मैंने ओह ओके 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 हाउ आर यू मैम? हाँ जी, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। हाँ जी जी जॉब बहुत अच्छी चल रही है। हाँ जी, अच्छा मैम, मैं इवनिंग में आपको कॉल करूँ घर जाके। ठीक है, ओके मैम, ओके थैंक यू, बाय बाय मैम। कैसा था आज का दिन? हाँ जी मम्मी जी, आ गई हूँ मैं। काफी थक गई हूँ आज, बहुत काम था वहाँ पे, और वैसे तो दिन एज यूजुअल बहुत अच्छा था। अच्छा मैं ऐसा करती हूँ, मैं हाथ मुंह धो लेती हूँ, फिर चाय बनाई होगी आपने, फिर चाय पीते हैं इकट्ठे, और मुझे आपसे कुछ बात भी करनी है। ठीक है, मैं हाथ मुंह धो के आती हूँ। चलो चाय भी मम्मी, दो मुझे चाय पकड़। चाय तो बहुत टेस्टी बनाई है आपने। अच्छा मुझे ना आपसे कुछ बात करनी है। मतलब आज मुझे हॉस्पिटल में ना, जो मेरे पुराने हॉस्पिटल से फ़ोन आया, और वो लोग बोल रहे हैं ज्वाइन करने के लिए कि वहाँ पे वैकेंसी है, आप ज्वाइन कर लो। और सैलरी भी, सैलरी की वैसे मैंने बात नहीं की है, बट पता नहीं, तो मैं सोच रही हूँ आप वैसे भी बीमार रहते हो, और मैं इतना दूर ट्रैवल करके जाती हूँ जॉब के लिए, तो अगर मुझे मेरे घर के पास ही मिल रही है जॉब, तो वो बहुत अच्छा है ना, है ना? तो मैं ज्वाइन कर लूँ ना तो यहाँ पे, मतलब उनका खुद से कॉल आया था तो इसलिए। बाकी मैं अभी उनको थोड़ी देर में फ़ोन कर देती हूँ। ठीक है, सैलरी का तो उन्होंने मुझे कुछ बोला नहीं है, बट कोई बात नहीं, जैसा तुझे ठीक लगे तू वैसा कर। अगर तुझे यहाँ पे ज्वाइन करना है तो यहाँ पे कर ले, कोई बात नहीं। मैम, हाँ जी, अच्छा मैम, मैंने मतलब ठीक है, मैं ज्वाइन करने के लिए रेडी हूँ वहाँ पे, बट सैलरी? हाँ जी, एक्चुअली मेरे मदर भी यहाँ पे रहते हैं, और मैं वैसे भी ट्रैवल करके बहुत दूर जाती थी, तो अगर मुझे मेरे घर के पास ही जॉब मिल रही है तो मेरे लिए वेल एंड गुड है। ओके, तो मैं कल इंटरव्यू के लिए आ जाती हूँ। हाँ जी, हाँ जी, ओके मैम, थैंक यू, बाय। मैंने वो मैम से बात की है आज अभी, तो कल इंटरव्यू देने के लिए जाऊँगी, देखते हैं फिर। अगर सब कुछ अच्छा रहा तो यहीं पे ज्वाइन कर लूँगी। सैलरी के लिए उन्होंने मुझे बोला है कि मतलब जैसा तुम चाहते हो सैलरी मिल जाएगी, बाकी देखते हैं। अगर सब कुछ अच्छा रहा तो मैं यहीं पे ज्वाइन करूँगी, क्योंकि इससे क्या है कि आप अकेले रहते हो तो मतलब मेरा इतनी दूर आने जाने का समय बच जाएगा ना। मम्मी, मैंने ज्वाइन तो कर लिया है वहाँ पर पता क्या मतलब एक ऐसा होता है ना कि जो वहाँ का एक पुराना स्टाफ था, सीनियर स्टाफ है, उसको ना मेरे आने से शायद इनसिक्योरिटी फील हो रही है, उसको अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब वो पहले दिन से ही मुझे, उसने ट्रबल करना शुरू कर दिया था, मतलब हमेशा मेरे पीछे पड़े रहना, और मेरे पीछे ही पड़ी रहती है, क्योंकि ना मतलब मेरी छोटी छोटी बातों को लेके बहुत ऊपर तक जाती है, और बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा है। मतलब जैसे मैं सोच के आई थी कि मुझे खुद से बुलाया गया है वहाँ पे तो अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा ना, बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा है। यहाँ तक कि अब तो मेरा डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट में मैं थी, उस डिपार्टमेंट को भी चेंज कर रहे हैं सिर्फ उसकी वजह से। और ऐसे तो मैं जॉब छोड़, मतलब मैं छोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि आई एम नॉट मेंटली सेटिस्फाइड। नहीं, कहीं भी काम नहीं बन रहा है, कोई भी इंटरव्यू देने जा रही हूँ बट जॉब नहीं मिली। नहीं मिल रही, पता नहीं क्यों, सब कुछ हो जाता है, बट सैलरी की बात पे आके वो लोग मना कर देते हैं, तो क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आया। अभी तो इतना महीना हो गया है बैठे बैठे, रेंट पे हम लोग रहते हैं, रेंट कहाँ से निकालेंगे, मुझे कुछ कुछ समझ नहीं आया। ये किसका फोन आया? हेलो, हाँ जी, हाँ जी, मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया था। ओके मैम।